बताती हूँ, माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग के संबंध में एक लेटेस्ट ऑर्डर जारी किया गया है। इनके दस्तावेजों का सत्यापन करने के लिए समिति गठित की गई है। देखते हैं किन शिक्षकों को इस समिति में लिया गया है। इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने संबंधी दिशा निर्देश दिए गए हैं लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा। इस हेतु लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा जिले में पदस्थ 80 शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराई गई है। सूची में उल्लेखित शिक्षकों को 15/9/2024 रविवार को काउंसलिंग हेतु उपस्थित होना है। काउंसलिंग में उपस्थित होने वाले लोक सेवकों के अभिलेख परीक्षण एवं अन्य कार्यों में सहयोग हेतु निम्न अनुसार समिति गठित की गई है। तो यह समिति के सदस्यों के नाम दिए गए हैं, इनका गठन किया गया है। यह अभिलेखों का परीक्षण करेंगे एवं अन्य कार्यों में शिक्षकों का सहयोग करेंगे। तो यह नाम दिए गए हैं शिक्षकों के। कार्यालय लोक शिक्षण द्वारा अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग से संबंधित वीडियो कॉन्फ्रेंस दिनांक 14 को की गई है। सूची में उल्लेखित लोक सेवक 14 को कार्यालय में प्रातः 10 बजे अपनी उपस्थिति अनिवार्य सुनिश्चित करें। तो यह समिति के सदस्य, इन्हें 14 तारीख को बुलाया गया है। इनके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। वहाँ नियम और निर्देश दिए जाएंगे जिसके तहत ये काउंसलिंग कराएंगे माध्यमिक शिक्षकों की। तो इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद दोस्तों।